नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है। तो देखिए, आज फिर से मैं एक ये वीडियो लेके हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और इसमें काफ़ी सारे लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कुछ पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो सभी किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई समस्या हो कमेंट करके बताएं। तो मैं शुरू करता हूं, देखिए पूरी जानकारी देता हूं भाइयों। ये 300 वाट के 6 पैनल लगाए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं ज़्यादा डीपली तो कनेक्शन नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने इसका जो वीडियो है कनेक्शन का वो पूरा डाला हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में पूरा मैंने A to Z बताया कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बता देता हूँ कि 300 वाट के 6 पैनल हैं, टोटल 1800 वाट होता है पावर, और जो मोटर है हमारी ये जो चल रही है ये टोटल 2 HP की मोटर है, यानी 1500 वाट की। तो टोटल 1800 वाट लगाया हुआ है, और इतने कम पावर में ये चलता है। शायद कोई और पंप इतने कम पावर में इतना अच्छा पानी नहीं देता हो। तो देखिए, मैं ज़्यादा फालतू बात ना करके सटीक बात करता हूँ। तो बहुत पूछा है कनेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे 6 पैनल हैं, तो हम 2-2 पैनल की सीरीज बना लेते हैं आपस में। उसके बाद क्या होता है कि जब हम 2-2 पैनल की सीरीज बना लेंगे तो हमारे पास 3 पॉजिटिव वायर बचेंगे और 3 निगेटिव। तो जो 3 निगेटिव बचे उनको एक जगह पर जोड़ देंगे, और जो 3 पॉजिटिव बचे उनको एक जगह पर। देखिए, जैसे कि ये 3 निगेटिव एक जगह पर जोड़ रखे हैं हमने यहाँ पर, और ये 3 पॉजिटिव यहाँ पर जोड़ रखे हैं एक जगह पर। इसी प्रकार से इनका कनेक्शन करके हम क्या करते हैं, ये यहाँ से वायर ले जाते हैं अपना कंट्रोलर में। ये देखिए, यहाँ पर इसका कंट्रोलर रखा हुआ है। ये कंट्रोलर का ये जो रेड वाले वायर हैं, ये कंट्रोलर का इनपुट है, और ये जो ब्लू वायर है ये आउटपुट है जो मोटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए रोटोसोल का 2 HP का कंट्रोलर रखा हुआ है। ये इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन भी इसके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस डिस्प्ले है इधर पंप का, ये देखिए इसमें दिखाई देता है कि कितने बोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर आ रहे हैं, और कितने पावर पे हमारा पंप इस समय वर्क कर रहा है। और ये रहा देखिए 2 HP रोटोसोल कंपनी का पंप, और इसके मुंह पर आप देख सकते हैं इसकी जो आउटलेट साइज है इस समय, डिलीवरी साइज ये 3 इंची है। ये आप देख सकते हैं कि 3 इंची का पाइप इसके मुंह पर लगा हुआ है, और 3 इंची देखिए कितना अच्छा ये पानी दे रहा है, आप देख सकते हैं। अभी तो ये और भी अच्छा पानी देता, बट क्या है ना कि मौसम में आजकल धूप जो है ज़्यादा तेज़ नहीं रहती है, गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अभी क्या है, अभी धूप पहले के मुकाबले कम होने लगी है। तो आप देखें दोस्तों, ये पूरा 3 इंची पानी दे रहा है मात्र 1800 वाट पावर में, देख सकते हैं। ये कंट्रोलर है, ये मोटर है। प्राइस देखो, मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये इसका जो प्राइस है कंपनी प्राइस, वो अप डाउन होता रहता है मोटर का और इसका कंट्रोलर का। देखिए पहले क्या था, पहले मैंने पता किया था कंपनी से प्राइस, तो 36,000 रुपये उन्होंने बताया था मोटर का प्राइस। और अभी मैंने लास्टेस्ट पता किया था, तो उन्होंने बताया कि अभी जो रेट बढ़ गए हैं तो 45 के समथिंग उन्होंने कंट्रोलर और पंप दोनों का बताया था। अभी करंट में क्या प्राइस है ये तो पता करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन लमसम 45 के आसपास ही होना चाहिए कंट्रोलर और मोटर दोनों का प्राइस। तो कैसे चलाते हैं सभी को पता है किसान भाइयों। देखिए, एक दो किसान भाइयों ने हमारे कमेंट किया दोस्तों कि भाई हमारा जो पंप है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो आपकी जो भी समस्या है वर्क नहीं कर रहा है, आप हमें अपना कमेंट करके नंबर बताएं, और हमने अपने नंबर अपनी वीडियो में बता दिए हैं, और आप हमें संपर्क करें हमारे नंबर पर, या अपना नंबर कमेंट करके बताएं, हम आपके नंबर पर कॉल करेंगे। आपकी जो समस्या है वो आपकी अगर यहीं पर सॉल्व करने की होगी तो हम बता देंगे आपको कि ऐसे ये करना है, ये दिक्कत हो सकती है आपके पंप में। अगर नहीं हो गई तो हम आपकी साइट पर जाकर भी आपकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो बता दिया है देखिए सभी, और लगाने का तरीका जो है, जिसे हम सब्सिडी के माध्यम से लगवाते हैं, तो इस पर हमें 70% की छूट मिल जाती है राज्य सरकार की तरफ से। और उसका लगाने का तरीका ये है कि अपने कंसर्न्ड ब्लॉक में, हमें जो हमारा संबंधित ब्लॉक है उसमें हमें जाके पता करना होता है कि भाई ऑनलाइन सोलर पंप की चल रही है या नहीं चल रही है। तो वहाँ से हमें इसका पता लग जाता है कि चल रही नहीं चल रही है कुसुम योजना के माध्यम से। तो 70% की छूट मिल जाती है इस पर। और अगर आप प्राइवेट में लगवाते हैं तो प्राइवेट में आपको इसका पूरा पैसा देना पड़ता है कंपनी को, आपको पूरा पूरा इसका पेमेंट करना पड़ेगा। आप प्राइवेट में कहीं से भी लगवा सकते हैं बाहर से,
अगर आप हमारे माध्यम से लगवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमने इसका काम देखिए स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी सारे लगवा भी चुके हैं और अभी बड़े पैमाने पर काम स्टार्ट करना आरंभ कर दिया है हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है सोलर पंप की। और आप देख ही सकते हैं कि आजकल डीजल जो बहुत महंगा हो गया और खेतीबाड़ी करना डीजल के वास्ते कितना कॉस्टली हो रहा है। इसमें क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आप पैसा डालते हैं एक टाइम और बाद में आप इसको वसूल करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए खर्च करके ये 2 HP का पंप लगवा लिया तो आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी खेतीबाड़ी की उससे सिंचाई करते हैं। अगर आप सीमांत किसान हैं, छोटी 1-2 एकड़ है तो आप तब भी आपका 4-5 साल में पैसा वसूल है। अगर आप बड़े किसान हैं कि हाँ आपके पास 8-10 एकड़ ज़मीन है या उससे ज़्यादा है तब भी आपका 1-2 साल में पैसा वसूल हो जाएगा इसका, तो और पानी की कमी रहेगी नहीं आपके खेत में। तो देखिए सभी सारी जानकारी किसान भाइयों मैंने दे दी। अगर किसी को भी लेके 1 HP से लेके 10 HP तक का समरसिबल या ये मोनोब्लॉक लगवाना हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर पूरी जानकारी इसकी दे दी है। बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पूरा हमारी जो अपने चैनल पर हमने वीडियो डाली हुई है इससे पहले भी उन्हें देखें, सारा कुछ हमने पूरी जानकारी कनेक्शन की क्या है बार बार वही चीज़ों की जानकारी देते हैं। और हाँ देखिए सबसे मेन बात ये पूछते हैं कि ये कितनी गहराई से पानी निकालता है, तो देखिए इसका जो हेड है वो 12 मीटर है, आप मान सकते हैं कि ये 60 फीट तक पानी खींच लेता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ऊपर वाटर लेवल हो उतना ही अच्छा ये काम करता है। तो हमारे यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो 20 से 25 फुट के आसपास है और वहाँ पर ये अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं 20 से 25 फुट वाटर लेवल है और ये चल रहा है और 3 इंची पानी कितना अच्छा दे रहा है आप देख सकते हैं। इससे पहले भी कई सारे वीडियो डाले हुए हैं, परफॉर्मेंस दिखाया गया है पंप का, हमने अपने सभी वीडियो में दिखाया है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो बता दिया। और आप ये कहते हैं कि इससे हम कितनी दूर तक पानी लेके जा सकते हैं, तो देखिए डिपेंड करता है कि अगर आप प्लान आपका खेत है तो आप इससे लेके जा सकते हैं 100 मीटर 200 मीटर तक भी पानी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा ऊंचा ना हो, क्योंकि देखिए क्या है ना, अगर चढ़ाई होती है पानी में पाइप आप इसके मुँह पर लगा देते हैं और पानी को अगर कहीं ऊपर चढ़ाना हो तो ये चढ़ा तो देगा लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, इसके परफॉर्मेंस में अंतर आ जाएगा, ये बात सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारी जानकारी इसके बारे में दे दी है, कनेक्शन की भी सारी कुछ, बस यही कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपकी जो समस्या हो हमें बताएं। अपने नंबर हमने अपनी वीडियो में बता दिए, फिर से बता देता हूँ, हमारा नंबर है 87450 35670। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें आप और आपकी कोई भी समस्या हो जानकारी लें, लगवाना चाहते हैं या आपका पंप नहीं चल रहा है या कोई दिक्कत आ रही है या ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी है आपकी ऑन साइट जाके अगर करना होगा ऑन साइट जाके करेंगे और यहीं से करना होगा कोई दिक्कत होगी तो आपको पूरी गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, किस वजह क्या दिक्कत हो सकती है आपके पंप में। तो किसान भाइयों मैंने पूरी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से दे दी है और कहना चाहूँगा कि अगर किसी किसान भाई को ये लगवाना हो या जानकारी चाहिए तो हमें बताएं। और दूसरी चीज़ देखिए, बार बार ये कमेंट आते हैं कि आप इसको घर में कैसे यूज करते हैं, तो घर में आपकी बैटरी कितने वोल्ट की है, कितने एम्पियर की है, कितने वाट का आपने इन्वर्टर लगा रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं इसकी बहुत जल्दी वीडियो इसकी डालने वाला हूँ कि घर में कनेक्शन कैसे यूज करें, आप इससे पूरा लोड अपने घर का चला सकते हैं। लाइक आपकी जो टुल्लू पंप है या जेट पंप है घर में, हम मोटर लगा के रखते हैं, वाशिंग मशीन है, फ्रिज है, सारी चीज़ें हैं और फैन वगैरह है गर्मियों में, ये सारी चीज़ें हमको चलानी होती हैं, हम आराम से चला सकते हैं, बैटरी इससे चार्ज कर सकते हैं, इन्वर्टर से आउटपुट लेकर के पूरे घर का लोड इससे चला सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, बहुत जल्दी इसकी वीडियो आने वाली है। और कई देखिए किसान भाई, कई लोग कहते हैं कि यार आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया इसमें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सारी वीडियो देखें आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप हो सकता है कि आपका संतोषजनक उत्तर आपके सारे सवालों का हमारी वीडियो के अंदर मिल जाए, क्योंकि हमने कोशिश की है उसी प्रकार की हमने वीडियो बनाई है कि हमने सारे सवालों का संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश की है। क्योंकि बार बार सवाल आते हैं तो हम सबका जवाब तो नहीं दे पाते लेकिन हम वीडियो डाल देते हैं कि सो दैट एक ना कि किसी एक को बल्कि और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं या किसान भाई हैं जो इस टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं उनके सवालों का जवाब मिल सके, तो इसलिए हम वीडियो के माध्यम से ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए इतने सारे कमेंट्स आते हैं सभी का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम सबके सवालों का जवाब देने कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। तो सारी जानकारी मैंने बता दी है किसान भाइयों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और
कभी कभी ये भी सवाल सामने आता है कि इसकी कीमत क्या है, कितने का लगता है, कैसे है, क्या है, तो मैंने बता दिया। देखिए लमसम प्राइस कंट्रोलर का और मोटर का जो पड़ता है वो 45 या 50 के आसपास पड़ता है विद डिलीवरी चार्ज, क्योंकि डिलीवरी चार्ज होता है वो आपकी तरफ ड्यू होता है। तो इसकी जो प्राइवेट में जो कीमत है वो 1 से 1.25 लाख के आसपास, ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किस लोकेशन में लगवाना चाहते हैं। 1 लाख से 1.25 लाख के बीच इसमें पूरा आपका पूरा सिस्टम लग जाता है, जिसमें क्या होता है पैनल होंगे, कंट्रोलर होगा, मोटर होगी, आपका स्ट्रक्चर होगा, वायर होगा, सब कुछ, इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह सब उसी में इंक्लूड होता है। तो 1 से 1.25 लाख के आसपास ये लग जाता है। तो सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी है, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और हमारी सारी वीडियो चैनल में जितनी भी हैं देखने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसकी जानकारी देने की कोशिश करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी का हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें। चैनल का नाम है JS राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक, जिस पर हम सोलर से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।